आपको मालूम है ना कि आज का जो वीडियो है वो टॉपिक जो है वो है, अक्सर देखिएगा कि बहुत लोगों के गर्दन पे बहुत सारा काला हो जाता है, हाथों में, ये सारा हाथों पे बहुत सारा काला होता है, लाइक झाइयाँ, जैसे झाइयाँ होती हैं वैसा लगने लगता है। तो आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि जो गर्दन के पीछे काले बहुत सारे होते हैं वो जो झाइयाँ हैं हाथों में या गर्दन में या कहीं और, तो उसको कैसे ठीक करें। ज़्यादातर हाथों में है, इनफैक्ट पैरों में भी होता है, तो कैसे ठीक करें, क्या ये ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो सारी बातें करेंगे तो इस वीडियो में, यही है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी मैं बताऊँगी उसे आप फॉलो जरूर करिएगा। अगर नहीं करेंगे तो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, मेरे पास इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, इतने सारे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं बना ही दूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हाय एवरीवन, आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल पर, और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो में। तो अक्सर आपने देखा होगा कि गर्दन के पीछे बहुत काला हो जाता है, और हाथों पे बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, और पैरों के पास भी काला हो जाता है। हाथों में ज़्यादातर ये एरिया जो होता है इसमें बहुत सारा काला हो जाता है, पेट पे जैसे लगता है कि इचिंग कर करके काला हो जाता है। तो रीज़न क्या है? पहला तो रीज़न है, सबसे पहला, कि आपका स्किन बहुत ड्राई होता है, यानी बहुत ड्राई है, उसको मॉइस्चराइजर नहीं मिल रहा है, आप पानी ज़्यादा नहीं पी रहे हो, और बॉडी आपका डिहाइड्रेट हो गया है, हाइड्रेट रह ही नहीं रहा है, डिहाइड्रेट हो जा रहा है। इसी वजह से आपके शरीर पे खुजली, इचिंग चालू हो जाता है। जब काला होता है तो ये एक दिन में काला नहीं होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है कि आप अपनी स्किन को वैसे ही छोड़ दिए हो, और सन की जो किरणें हैं वो आपके स्किन पे डायरेक्ट पड़ती हैं, आप उसका ध्यान नहीं रखते हो, वो धीरे 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 काला होने लगता है। जैसे कभी कभी आपने ऑयलिंग किया सर पे और उसके बाद आपने बाल धुलना छोड़ दिया, आपकी जो चोटी है, आपका जो बाल है उस पर, आपके गर्दन पे जा रहा है, और उसके बाद वहाँ ऑयल बैठ जा रहा है, फिर डस्ट उस पर आ जा रहा है, चिपक जा रहा है, और धीरे धीरे आप नहाने तो जाते हो लेकिन अच्छे से नहीं नहाते हो, इस वजह से भी धीरे धीरे वो और ज़्यादा काला हो जाता है। और ड्राई अलग से होता है, ऊपर से आप इचिंग करने लगते हो, इचिंग करते करते चूँकि ड्राइनेस है वहाँ पर ज़्यादातर, इचिंग करने से, जो इचिंग करते हो इससे आपके जो स्किन है कट जाते हैं, छिल जाते हैं, और धीरे धीरे वो घाव का रूप ले लेते हैं। घाव का मतलब है कि मतलब वहाँ पे छोटे छोटे मतलब दाने निकल आते हैं, या रेसेस की तरह आपको दिखने लगते हैं, ये सब रीजन होते हैं। इसको जैसे ही आप इग्नोर जितना ही करते जाओगे उतना ही वो काला होता जाएगा। वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे हाथों पे दिखता है, यहाँ के हाथों पे दिखता है, पैरों पे दिखता है, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से होती हैं, सबसे पहले तो आप पानी कम पीते हो, सबसे बड़ा कारण है। आप देखना, उठा के अपने आप को देख लेना, तो पानी कम पीते हो, अच्छी नींद नहीं लेते हो। मैं अक्सर अपने सारे वीडियो में बताती हूँ कि आप डाइट अच्छा लीजिए, आप लोग नहीं सुनते हो, बात अलग है। और दूसरा कारण कि आपका ड्राई स्किन है, बहुत ड्राई है, और आप उसका देखभाल नहीं करते हो। लाइक आप नहाने जाते हो और नहाने के बाद आ जाते हो, साबुन भी अगर लगाते हो तो नहाने के बाद आते हो, और अच्छे स्किन अपने फेस पे तो लगाते हो लेकिन गर्दन को, हाथों को आप इग्नोर कर देते हो। तीसरा रीज़न है, बहुत सारे ऐसे ही रीज़न हैं जो कि आपके दागों को काला कर देते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो काले हो चुके हैं तो आप क्या करें, इसको ठीक कैसे करें, क्या ये ठीक हो सकता है? तो बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला आपको करना पड़ेगा कि रोज़ आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, जितना हो सके, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, अपने हाइट के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से आपको पानी पीना है। मिनिमम 2.5 लीटर तो पानी पी ही लेना है। तो आप कोई ऐसा बड़ा जग ले लीजिए या जो भी आपके घर में सुविधा हो उसके हिसाब से, एक ही बार में उतना पानी नहीं पीना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके पीना, हर आधे घंटे में एक ग्लास पीना है ऐसे सोच लीजिए, और पीते रहिए। एक बार में पूरा पानी पी के सोचेंगे कि मैंने तास का कोटा पूरा कर दिया तो ऐसा मत करिएगा, ये ख़राब चीज़ें हैं, ऐसे कभी पानी नहीं पीते। तो आपको पानी पीना है, अच्छी नींद लेनी है, ये तो हो गई, और डाइट अच्छा लेना है, ये हो गया हर चीज़ के लिए उपाय, चेहरे को ग्लो करने के लिए, सब चीज़ के लिए है। दूसरा, जब भी आप नहाने जाते हो तो हर दिन आप साबुन लगा के या सावर जेल होता है जो भी आपके पास हो, अच्छे से नहाओ, मतलब इग्नोर मत करो। सिर्फ फेस पे फेस वॉश नहीं लगना चाहिए, आपके गर्दन पे भी लगना चाहिए, आपके हाथों पे भी लगना चाहिए, आपके पैरों पे भी। तो जब भी नहाने आप जाते हैं तो प्रॉपर बात लें, ना कि
नाम चलाओ, मतलब काम चलाओ, जो बात होता है वो ले, वैसा ना ले, आप प्रॉपर बात ले। प्रॉपर बात का मतलब होता है कि आप अच्छे से अपने शरीर को मले, नहाएं साबुन लगा के या सावर जेल लगा के, जो भी आपके पास हो, या उपटन लगा के, कुछ भी लगा के आप नहाएं, अच्छे से प्रॉपर नहाएं। उसके बाद जब नहाने के बाद आते हो, जैसे आप अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाते हो, वैसे बॉडी लोशन कोई भी जो आपको सूट करता हो आपने पूरे बॉडी पे लगाएं, गर्दन पे, हाथों में, पैरों में, पूरे बर्दन मतलब बॉडी पे लगाए आपने। तो उसके बाद आपको करना है क्या, जब आप लगा लेते हो और फिर कपड़ा पहनते हो, और तीसरा करना है आपको, हफ्ते में मिनिमम 3 डेज जिनके बहुत ज़्यादा काले हो गए हैं उनको वहाँ पे पैक लगाना है। अब पैक कैसा होना चाहिए, जो भी पैक, जैसे लाइक मुल्तानी मिट्टी, लेकिन इन सब चीज़ों में मुल्तानी मिट्टी ले सकते हो, बेसन ले सकते हो, दही ले सकते हो, लेकिन नींबू डालना मत भूलिएगा, 2-3 ड्रॉप जरूर नींबू डालिएगा, क्योंकि वो बहुत सारा काला हुआ पड़ा रहता है, रीजन इस वजह से नींबू आपको डालना ही है। और कोशिश करिए कि उसमें थोड़ा सा ऑयल भी, बादाम, रोगन हुआ, या कोई भी ऑयल डालिएगा जरूर, क्योंकि जो ड्राइनेस है वो भी कम रहे, अगर मुल्तानी मिट्टी यूज कर रहे हैं। दही कर रहे हैं तो उसमें ऑयल डालने की जरूरत नहीं है, दही ऑलरेडी, दही हनी जो होते हैं ऑलरेडी अपने आप में मॉइस्चराइजर का काम करते हैं। तो आपको फेस पैक हफ्ते में 3 दिन लगाना है, और फेस पैक लगाने के बाद आपको अच्छे से वॉश करना है, फिर मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। सोते समय आप अपने हाथों पे, अपने पैरों पे मॉइस्चराइजर लगा के ही सोए, अच्छी नींद लें, ये सारे काम आपको करने हैं। यकीन मानिए, आपके जो बॉडी के दाग हैं, आपके शरीर में जो दाग हैं, जो आपको कालापन दिखता है, आपको लगता है वो झाइयाँ हैं, धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। यकीन नहीं हो, करके देखिए, ज़्यादा चिटम्मा नहीं बताऊंगी कि ये क्रीम लाइए वो क्रीम, जो आपको अच्छा लगे, बहुत सस्ते क्रीम भी ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, तो उनको ले लीजिए, बड़ा पैकेट उसका ले लीजिए और अपने घर में लगाइए। यकीन मानिए, आपका शरीर और आपके जो गर्दन है, आपके जो हाथे हैं, जो काले पड़े हुए हैं, आपको लग रहा है वो कभी नहीं छूटेगा, धीरे धीरे रिमूव होता जाएगा और आप एक दिन स्मूथ और खूबसूरत स्किन पा जाओगे, आपके गर्दन साफ हो जाएंगे। तो बस करना आपको यही है, डाइट अच्छा लेना है, पानी ज़्यादा पीना है, नींद अच्छी लेनी है, सोचना अच्छा है, और जो मैंने बताया वो करके देखिए, अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर कमेंट करिएगा, मैं बोल रही हूँ ठीक हो जाएगा। तो आप करके देखिए, यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा मिला। तो क्या क्या करना है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है, अच्छा डाइट लेना है, रोज़ प्रॉपर बाथ लेना है, मतलब नहाने का तरीका सही होना चाहिए, मतलब बस जाके अब पानी ऐसे डाला, फेस पैक, बस फेस वॉश सिर्फ चेहरे पे लगाया और चल दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर बात लेना है, मतलब साबुन से या सावर जेल से या उपटन से, जैसे भी आप लेते हो वैसे ले लो, अच्छे से लेना है, जो आप हफ्ते में बहुत लोग कम करते हैं। ये होता भी उन्हीं लोगों के लिए है, होता भी उनको है जो नहाने में कंजूसी करते हैं, मतलब नहाने में कंजूसी का मतलब जो जाते हैं और पानी को टच करके चले जाते हैं कबड्डी खेल के, तो उनको ही होता है, क्योंकि धीरे धीरे डस्ट बैठता जाता है, सूर्य की किरणें का जो तेज होता है वो आपका प्रभाव देता है, तो सब कुछ मिला के आप केयर होता है, नहीं है तो हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता, ये 100% ठीक होता है, तो आपको बस केयर करना है अपना। तो जो आपको अच्छा बात लेना, अच्छी पानी पीनी है, और फिर एक मॉइस्चराइजर लगाना है, हफ्ते में 3 दिन आपको कोई भी उपटन लगाना है जो आपको सूट करता हो, अगर बोलेंगे तो उसके लिए भी बना देंगे, लेकिन आप कोई भी उपटन लगा सकते हो, यकीन मानिए। और उसके बाद बात लेना है, फिर मॉइस्चराइजर करना है, नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, यकीन मानिए, डे बाई डे आपके स्किन को आप खुद फील होने लगेगा कि मेरा इचिंग गायब हो गया, मेरा ड्राइनेस गायब हो गया, मेरा स्किन बहुत खूबसूरत अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और नींबू फेस पैक जो पैक बनाएंगे आप, उपटन बनाएंगे, उसमें नींबू जरूर डालिएगा और दही ऑयल डालिएगा, लेकिन वो मुल्तानी मिट्टी में और बेसन में डालिएगा, दही अगर ऐड कर रहे हैं तो दही में कोई ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, शहद में भी कोई ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। करके देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।